सर कहां तक जाने का प्लान है? नहीं नहीं, ज्ञापन देने जाएगा लोग, अब कोई प्रतिरोध मार्च समाप्त हो गया, यहीं तक का था, अब लोग जाके कलेक्टर को ज्ञापन पड़ेगा। इस प्रतिरोध मार्च का सरकार निश्चित रूप से पड़ेगा, नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल संघर्ष जारी है। डीएम साहब से मुलाकात, जब तक किसी भी व्यक्ति की हत्या हो रही हो, न केवल हम लोग उसकी निंदा करते हैं, उसका मुखालफत करेंगे, और जब तक अच्छे ऑफिसर्स का जिला में पोस्टिंग नहीं होगा तब तक ये जंग जारी। मुकेश सहनी के पिता विपक्ष पूरे प्रदेश कार्यालय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाई उसको लेकर प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। उनका काम है वो करते रहे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, अस्फुट घटनाएं घटती है, उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले उसको झूठलाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे, कैसे होते थे, आज उस प्रकार की बात नहीं है, और जो भी हो रहा है एकदम त्वरित कार्रवाई हो रही है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। यूपी में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर जो नियम लाए गए हैं उसको लेकर क्या कहिएगा मांझी जी, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी और चिराग पासवान दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए कौन विरोध कर रहे हैं क्या है उससे मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है, इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान चाहे और पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है, जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है, इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है, इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए।